हाउ आर यू? होप यू ऑल आर गुड, वेल, हैप्पी एंड हेल्दी। बच्चों, आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और दिन रात अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य में पाठ 3, हिमालय की बेटियां। हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि जो इस पाठ के लेखक हैं, लेखक कौन है? नागार्जुन। तो आइए सबसे पहले हम पिछले हमने क्या क्या पढ़ा था उसको दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कवि परिचय, कवि परिचय में हमने पढ़ा था नागार्जुन जी के बारे में। लेखक का नाम है नागार्जुन, ठीक है, और इनका जन्म हुआ था, कब? 30 जून, 30 जून 1911 में। कहां पर हुआ था? मधुबनी। कहां पर है मधुबनी? आपने पढ़ा होगा एसएसटी में, मधुबनी है बिहार में, बिहार का एक जिला है। आप इनकी मृत्यु होती है 5 नवंबर 1998 में। कहां पर? दरभंगा में। दरभंगा कहाँ है? यह भी बिहार का ही एक जिला है दरभंगा। यह हिंदी साहित्य के महान यानी कि प्रख्यात लेखक और कवि रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, इन्होंने बहुत सारे साहित्य लिखे हैं, और तो और इन्होंने मूवीज भी लिखी हैं, उनके लिए भी डायलॉग लिखे हैं, इन पर जो है मूवीज भी बन चुकी हैं। तो जैसे खिलाड़ी, ओके, अब देखते हैं इसके आगे। फिर हमने पढ़ा था जो ये नागार्जुन जी हैं, ये बहुत ज्यादा प्रकृति प्रेमी हैं, इनको नदियों के साथ बहुत लगाव है, प्रकृति के साथ बहुत लगाव है, और यह भारत भूमि, हमारी भारत भूमि, प्रकृति ने इसको जो है बहुत अच्छी तरीके से सजा रखा है, संवार रखा है। इतने उपहार प्रकृति ने हमारी भारत भूमि को दे रखे हैं जिनका कोई मूल्य नहीं है। उन्हीं में से एक है हिमालय और उनसे निकलने वाली नदियां, जो है पूरे इस क्षेत्र को उपजाऊ बनाती हैं, उनका लालन पालन करती हैं, उनका पोषण करती हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं फिर से हिमालय की बेटियां पाठ का दूसरा भाग। पहले पाठ में हमने पढ़ा था कि जो नागार्जुन जी होते हैं वो कहते हैं कि जब तक मैं हिमालय पर नहीं गया था, मैंने इन नदियों को शांत देखा था, और यह अपने आप में खोई हुई सी एक संभ्रांत, एक सभ्य महिला की भांति मुझे प्रतीत होती थी। मैं जो है इनमें जब डुबकियां लगाता था तो मुझे जैसे दादी, नानी, मौसी की गोद में जैसे बैठने में जो आत्मतृप्ति, जो आत्मसंतोष प्राप्त होता है, वैसे ही जब मैं इन नदियों में डुबकी लगाता था तो मुझे आनंद का अपूर्व अनुभव होता था। तो वह कहते हैं कि जब मैं इस हिमालय में गया, इन नदियों का जहां पर उद्गम है, कौन कौन सी नदियों का? जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। जब नागार्जुन जी हिमालय पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो जो नदियां जो मैदान में बहुत विशाल और शांत और गंभीर लगती हैं, जब वो हिमालय में देखते हैं तो वह पतली सी और बहुत चंचल, उछल कूद मचाने वाली वह नदियां हैं। उनको देख करके उनको बड़ा आश्चर्य होता है। वह कहते हैं कि मुझे तो इतना आश्चर्य तब भी नहीं होता है जब मैं किसी नन्ही कली को देखता हूँ या फिर किसी लड़की को देखता हूँ, तो मुझे इतना विस्मय, इतना कौतूहल नहीं होता उसको जानने के लिए, लेकिन जितना मुझे इन नदियों के बारे में, इनके बारे में जानने के लिए कौतूहल होता है, मेरे मन में जिज्ञासा होती है इनके बारे में जानने की। और कहते हैं कि अपने पिता महान हिमालय का विराट प्रेम, अत्यधिक प्रेम पाकर भी यह संतुष्ट नहीं है, यह तृप्त नहीं है,
तो यह किससे मिलने के, इनका लक्ष्य क्या है, यह कहाँ जाना चाहती हैं, यह कहाँ भागे जा रहे हैं, और यह किससे मिलना चाहती हैं, किससे मिलकर के इनका जो है इनको तृप्ति होगी, इनको आत्म संतुष्टि होगी, ऐसे वह जो है उन नदियों के बारे में बता रहे हैं। तो बच्चों आइए आज हम देखते हैं आगे। पिछले भाग में हमने देखा था बुड्ढा हिमालय अपने इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा, बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछे तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास रखा ही क्या है। वो कहता है कि इन बेटियों से बिछड़ने पर वह जो बुड्ढा हिमालय है वह कितना दुखी होता होगा, वह कितना अपने आप को कोसता होगा, वह अपना सिर धुनता होगा। और जब उसके पास जाकर के पूछो तो उसके पास जो है विराट मौन के सिवा, यानी कि वहां से कोई उत्तर नहीं मिलता, विराट मौन के सिवा वहां पर और कुछ नहीं मिलता। अब देखिए आगे, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, झेलम, काबुल यानी कि कुंभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। यानी कि जब हम सिंधु और ब्रह्मपुत्र इन दो नदियों के, क्योंकि यह जो है बड़ी नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं, जो सिंधु नदी है वह जो है हिमालय से निकल करके पाकिस्तान में चली जाती है, और जो ब्रह्मपुत्र है वो हिमालय से निकल करके चाइना से होते हुए, चाइना में उसको सांगपो कहते हैं, वहां से निकलते हुए वह अरुणाचल के मार्ग से वह जो है भारत में आती है, आसाम होते हुए वह फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाते हैं। ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। जब हम इन दो नदियों का नाम लेते हैं तो ऐसी कई सारी नदियां जो है हमारे सामने प्रकट हो जाती हैं, हमारे मन में हम जो उनको याद करने लगते हैं, हमारे मन में बहुत सारी नदियां आ जाती हैं, हम जो है बहुत सारी नदियां जो हिमालय से निकलती हैं हम उन्हें याद करने लगते हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, वह कहते हैं कि वास्तव में जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र है वह अपने आप में कुछ नहीं है, वो क्या है, दयालु हिमालय के पीले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती रही है। वह कहते हैं कि वह जो है उस दयालु हिमालय के हृदय की, जो दयालु हिमालय है उसके हृदय की पिघली हुई बूंदें हैं जो है आंसुओं के माध्यम से वह जो है दो आंखों के माध्यम से, वह आंसुओं के माध्यम से वह जो है निरंतर बहती हुई सागर में मिल जा रही हैं, रूप में समुद्र में प्रवाहित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। फिर वह जो है फिर यहाँ पर नदियों का जो है मानवीकरण कर रखा है और सागर का भी मानवीकरण कर रखा है। वह जो है सागर को उस हिमालय के दामाद के तौर पर बताते हैं कि वह सागर कितना सौभाग्यशाली है जिसको जो है हिमालय की इन बेटियों का हाथ पकड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनके साथ मिलन का। जिन्होंने मैदान में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। वह कहते हैं कि जिन्होंने इन नदियों को सिर्फ मैदानों में ही देखा है उनको क्या पता कि वह जो है बूढ़े हिमालय की गोद में ये जो नदियां यानी कि हिमालय में जहां से यह निकलती है वहां पर यह जो है कैसे कैसे अपने करतब करते हैं, कैसे कैसे वहां से उछल कूद मचाती हुई चलते हैं, कैसे कैसे अपनी वह लीलाएं करती हुई आगे बढ़ती जाती हैं। उनको क्या पता जिन्होंने अभी अभी इनका घर, इनका हिमालय जो जहां से ये निकलती हैं जिन्होंने वहां देखा ही नहीं है, उनको क्या पता कि यह जो है कैसी कैसी मनोरम है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षण भले ही ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी हिचक नहीं होती है। वह कहते हैं कि माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी हिचक नहीं होती। वह कहते हैं कि यह जो है ये जो छोटी नदियां हैं जब वे बालपन में अपने हिमालय में होती हैं, भले ही यह जो है पहाड़ी वहां के जो
स्थानीय निवासी होते हैं उनके लिए भले यह लुभावनी न हो, लेकिन मेरे लिए तो वह इतनी लुभावनी है कि मुझे इनको हिमालय की बेटियां और उसको दामाद कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है, यानी कि मुझे कोई भी झिझक नहीं है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, जो कालिदास है उनका जो एक पात्र है यक्ष, उन्होंने जो है मेघदूत से कहा था, बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। उन्होंने कहा था कि जो बेतवा नदी है उसको उसके प्रेम के बदले में प्रेम, यानी कि उसके बदले में कुछ न कुछ देते जाना, प्रेम के बदले में प्रतिदान, यानी कि दान के बदले प्रतिदान, मतलब उसके जो बेतवा नदी से जो प्रेम मिला है उसके बदले में उसे कुछ देते जाना। तुम्हारी यह प्रेसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी, और यह जो तुम्हारी प्रेमिका है जो बेतवा नदी है वह तुमको पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी, यानी कि खुश होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतक रूपक पसंद था। और यह बात सोच करके वह कहते हैं कि मुझे यह बात अचानक से याद आ गई कि शायद कालिदास को भी नदियों को जो है सजीव सजीव रूप देना पसंद था, क्योंकि इन्होंने जो है हिमालय को बूढ़ा बाप कहा है और जो नदियां हैं उनको जो है उनकी बेटियों की संज्ञा दी, यानी कि उनका मानवीकरण क्या है। वह कहते हैं कि यह मैं ही नहीं, पहले भी जो कालिदास हुए हैं उन्होंने जो है नदियों को नदियों का मानवीकरण किया हुआ है, और उनको इनका जो है जो मानवीकरण जो सचेतन रूप था वह पसंद है। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। और कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो हिमालय में इनको देखेगा, अलग अलग जगहों पर जब इनको देखेगा तो इनकी लीलाएं जब देखेगा, इनके जो है अलग अलग रूप देखेगा, तो वह जो है ऐसा ही करेगा और ऐसा ही सोचेगा, इनको जो है ऐसे ही रूप देगा। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम उन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। काका कालेकर एक लेखक हुए हैं जिन्होंने नदियों को लोक माता, लोक मतलब जन सामान्य जन साधारण जो है, क्योंकि यह नदियां जो है जन साधारण का लालन पालन करती हैं, उनकी प्यास बुझाती हैं। देखिए आप गंगा के मैदान में कितना ज्यादा अन्न उपजता है, किसान जो है सारे अपनी खेती करते हैं, गंगा से पानी उसकी 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 सिंचाई करते हैं। जितनी सारी नदियां हैं यह जो है सामान्य जो जो सामान्य मनुष्य हैं उनके लिए पालन पोषण का काम करती हैं, इसलिए जो है काका कालेकर ने इनको लोक माता कहा है, यानी कि सामान्य जन की माता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और वह नागार्जुन जी कहते हैं कि माता बनने से पहले यदि हम इनको बेटियों के रूप में देख लें, क्योंकि बेटी जो है जब किसी आंगन में बेटी होती है तो उसकी खिलखिलाहट से पूरी आंगन की हर कली महक जाती है, उसका जो अलहड़पन होता है, उसकी जो बातें होती हैं, उसकी जो चंचलता होती है, उसका जो आकर्षण होता है, वह पूरे घर को आनंदित किए हुए रहता है। ऐसे ही जो है यह नदियां भी जो है इन नदियों से ही जीवन में जो है जीवन में आनंद है, जीवन में खुशी है, जीवन में उमंग है, जैसे बेटियों के आंगन में होने से होता है। तो उन्होंने कहा कि इनको बेटियां मानने में क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। फिर वह प्रश्न पूछते हैं कि अब देखिए इनमें यदि हम प्रेयसी, प्रेयसी मतलब प्रेमिका की को यदि हम इन नदियों को माने तो कैसा रहेगा, क्योंकि जब व्यक्ति प्रेम में होता है तो वह जो है हमेशा प्रसन्न रहता है, पूरी उससे जो है जो निर्जीव वस्तुएं तो उससे बातें करती हैं, चारों ओर का प्रकृति जो है आनंददायी रहती है, वह जो हमेशा प्रफुल्लित रहता है, वह हमेशा आनंददायी रहता है। और जो प्रेम होता है वह जो है साधारण से साधारण मनुष्य को भी देवत्व प्रदान करता है। ऐसे ही यह नदियां हैं जो है साधारण से साधारण जो है मनुष्य को भी वह उनका सिंचन करती हैं, उनको जो है आनंदित करती हैं, उनको जो है खुशनुमा बनाती हैं, उनका जो है हर पल जो है रोमांचित करती हैं। यदि हम इनको प्रेमिका की तरह देखें तो इसमें वह कहते हैं कि इसमें क्या हर्ज है।
ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इसके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान कितने कवि ने इन नदियों को दिया है। और वह कहते हैं कि ममता यानी कि प्रेम का एक और धागा है जिसको हम बहन के रूप में देखते हैं, और बहन बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। और वह कहते हैं कि कितने कवियों ने इन नदियों को बहन का स्थान दिया है। बहन वो होती है जिसका जो है हमारे साथ सबसे ज्यादा प्रेम होता है, सबसे ज्यादा आत्मीयता होती है, और हमारे बारे में यदि सबसे ज्यादा कोई जानती है तो वो हमारी बहन ही होती है। माँ के अलावा यदि कोई होती है तो वो हमारी बहन होती है। और जब भी हमें हमारे माता पिता हमें डांटते हैं तो सबसे पहले जो है आंसू हमारी बहन के आंखों में आते हैं। और जब आपको जब वह कोई चीज खा रही होती है तो आपके लिए सबसे पहले रखने वाली वही बहन होती है। यदि आप किसी चीज में फंस जाएं तो आपको बचा करके खुद फंस जाने वाली भी हमारी बहन ही होती है। इसलिए जो है इन्होंने जो है उन्होंने कहा है कि यदि प्रेम का एक नाम और हम जोड़ें, यदि हम इन नदियों को बहन का रूप दे दें जैसा कि बहुत सारे कवियों ने दिया है तो उसमें क्या हर्ज है, क्योंकि उसमें क्या हर्ज है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी जो लिट तिब्बत की बात है, मन उचट हो गया था, उचट मतलब उदास हो गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया, दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में, थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला और तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। वह कहते हैं कि ऐसी ही एक दिन मेरी भी भावना हुई जब मैं तिब्बत में था, मैं बहुत थक गया था और मेरा मन उदास था, तो मैं भी सतलज नदी के किनारे जाकर बैठ गया, दोपहर का समय था और मैंने नदी में अपने पैर लटका दे, थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील मतलब चलने वाली, ठीक है, निरंतर प्रभावित होने वाली जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया, तन मतलब शरीर, मन मतलब मन, वह ताजा हो गया और मैं लगा गुनगुनाने। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाओ मैं तुम पर चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो बच्चों वह कहते हैं कि मैं जो है यह गीत गुनगुनाने लगा हूँ सतलज के लिए, सतलज को बहन के रूप में मैंने गीत गुनगुनाया, तो उन्होंने कहा कि हे बहन सतलज तुम्हारी जय हो, लीला अचरज बहन तुम्हारी, तुम्हारी लीला जो है बहुत आश्चर्यजनक है, तुम्हारे हुआ मुदित मन हटा खुमारी, यानी कि मेरा मन प्रसन्न हुआ और जो मुझे थकान थी वह दूर होगी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, मैं जो है तुम पर कुर्बान हो जाऊं, तुम पर बलिहारी जाऊं, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, कहते हैं कि तुम जो है बेटी हो और हिमालय बाप है, वह चिंतित तो है लेकिन चुपचाप है, ठीक है, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, यानी कि वह जो प्रकृति का यह जो रंगमंच है इस पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, इस प्रकृति के इस रंगमंच पर आपकी जो अद्भुत छाप है, जो आपका अद्भुत दृश्य है वह अतुलनीय है, अकल्पनीय है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, हे सतलुज बहन, हे नदी, हे सतलुज बहन तुम्हारी जो है हमेशा ही जय हो। तो बच्चों ये था हमारा आज का पाठ, इसमें से आपको मैं प्रश्न पीडीएफ के माध्यम से भेजूंगा और आपको सुंदर और साफ लेख में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।